हेलो एवरीवन। देखो, अब बात करते हैं हम लोग जो है इसके पार्ट थ्री के ऊपर। पार्ट थ्री के ऊपर है ना, और वो क्या है, लॉग एम अपॉन एन बेस ए अगर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग एम विद बेस ए माइनस लॉग एन विद बेस ए। सही बात है ना। अच्छा, इसको भी छोटा सा प्रूफ बता देता हूं। चलो इसका भी देखो, यहां से x और y मान लेता हूं मैं, तो इसको x मान लेता हूं, log a विद m, log m विद बेस a को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, log m विद बेस a को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, m इज इक्वल टू a की पावर x। ठीक है, याद रखना ये। log n विद बेस a को मैं क्या मान लेता हूं, इक्वल टू, अगर इक्वल टू अगर एक्स है वाई, इसे अलग मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ए की पावर वाई, एन इज इक्वल टू ए की पावर वाई। अच्छा, तो इसका जो आर एच एस है वो क्या आ रहा है हमारे पास, इसका आर एच एस है एक्स माइनस वाई आ रहा है हमारा आर एच एस, है ना। तो अब हम एल एच एस पर बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ए तो बेस हो गया, एम की जगह लिख दो क्या, एम की जगह ए की पावर एक्स, और एन की जगह क्या लिख दिया, ए की पावर वाई। अच्छा, तो ये ए बेस हो गया, इसे ए की पावर एक्स माइनस वाई लिख दूं क्या। अच्छा, फिर से एक्स माइनस वाई ये इधर ले आओ, तो एक्स माइनस वाई अगर इसे लिया है तो ये क्या बन गया, लॉग ए विद बेस ए, बेस ए इसकी वैल्यू, ये जो क्वांटिटी है ना इसकी वैल्यू होती है वन। क्या होती है, वन। तो ये एक्स माइनस वाई यानी एल एच एस के इक्वल आया नहीं आया। अच्छा, एक चीज विशेष ध्यान रखना कि ये जो आइडेंटिटी अभी मैंने ये लिखवाया है ना, ये पार्ट इसका मेन जो है, ये इससे है ना, आप ऐसे मत सोचना कि ये ऐसे ही लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो, लॉग एम विद बेस ए माइनस लॉग एन विद बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन विद बेस ए। ठीक है ना, ये भी इसे लिखा जा सकता है। पक्का? चलो फिर, अब इसी बहाने अब हम लोग इसी के साथ हम लोग इसके भी एक एग्जांपल पर बढ़ते हैं। देखो आगे, देखो क्या है इसका एग्जांपल, एग्जांपल देखो इसका क्या है, लॉग रूट ट्वेल्व और बेस रूट टू। अच्छा, माइनस लॉग रूट 48 विद बेस रूट टू। अच्छा, अंडर रूट ही है इस पे, है ना। थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, इक्वल टू लॉग ऑफ रूट टू, ये हो गया रूट ट्वेल्व, अप रूट ट्वेल्व अपॉन रूट 48, ठीक है ना। ये अपने आप हो जाएगा, अभी कैसे होएगा वो बताता हूं। देखो एलएचएस से लो, देखो मान लो प्रूव करने के लिए आ जाए या मान लो इसको सॉल्व करने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे इसका, तो ये तो हो ही जाएगा, ये तो आइडेंटिटी हो गई है, तो इसकी क्या, ये तो इसकी आइडेंटिटी हो गई, लॉग एम अपॉन ए, लॉग एम माइनस लॉग एन की, लॉग एम अपॉन एन बेस सेम है ही। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग रूट टू, तो एज इट इज रूट ट्वेल्व को हम क्या लिख सकते हैं, टू रूट थ्री, और रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं, फोर रूट थ्री, 16 3 जा 48 होता है ना, रूट थ्री टू टू जा फोर, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग बेस रूट टू, और ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। अच्छा, वन अपॉन टू की क्या पावर रखें, मतलब रूट टू की क्या पावर करें, तो रूट टू की क्या पावर करें कि वो वन अपॉन टू हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एक्स की पावर हाफ का की होल पावर एक्स लिख दूं, और इसे टू की पावर माइनस वन लिख दूं, और इसे एक्स बाय टू इक्वल टू माइनस वन लिख दूं, तो क्या है, फिर इसे एक्स इक्वल टू माइनस टू लिख दूं,
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस टू, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस टू। तो इस बात का मतलब क्या हो गया माइनस टू, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्लियर, पक्का? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। देखो क्या है, देखो जो आइडेंटिटी मैंने यहां यूज ली वही आइडेंटिटी मैं आपको यहां बता रहा हूं, क्या कि वही आइडेंटिटी यहां पार्ट फोर के रूप में बता देता हूं। चलो मैं आपको देखना ध्यान से। देखो फर्स्ट तो ये कहती है कि अगर लॉग एम की पावर तो पी दे रखी हो विद बेस ए दे रखा हो, है ना, जैसे अभी आपको ये लग रहा होगा कि एक्स प्लस वाई कैसे आ गया था आगे, वो ये इसमें बता देता हूं। देखो इधर ये इसमें ये एक्स माइनस वाई कैसे आ गया आगे, ये तो पावर में था ना, ये तो ये आगे कैसे आ गया उसके बारे में बता रहा हूं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस अगर ऐसा कभी दे रखा हो तो हम उसे क्या लिखेंगे, ये जो पावर है ना इसे यहां पर न्यूमरेटर में ले आओ यहां पर, यानी ये क्या हो जाएगा पी लॉग एम बेस ए, ठीक है। अच्छा सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, लॉग मान लो बेस की भी कोई पावर दे रखी है क्यू, अच्छा विद एम, तो इसे क्या लिखेंगे, देखो ये जो पावर है ना ये यहाँ पे वन के अपॉन में चल जाएगी, यानी डिनोमिनेटर में चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो इसे क्या लिखेंगे, देखो लॉग ए तो बेस है ही, एम एज इट इज है ही, और ये क्यू चल जाएगा वन अपॉन में, ठीक है। अच्छा साहब, अब ए किसकी थर्ड, इसकी मिक्सअप में बात कर लेते हैं। देखो क्या कि ये माइनस मत लगा देना कहीं, पता पड़े माइनस कर दो इसका, है ना। अच्छा जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है लॉग ए की पावर तो क्यू, अच्छा एम की पावर पी दिया हुआ हो, तो ये पी तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, क्यू चल जाता है डिनोमिनेटर में, और लॉग एम विद बेस ए। अच्छा फोर्थ नंबर देखो, लॉग एम की पावर विद बेस ए की पावर अगर मान लो ट्वाइस ऑफ एन होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ ये टू एन तो आगे आ जाएगा, तो टू एन आ गया आगे, और लॉग ऑफ बेस के रूप में ए, अब सोचो क्या होगा, एम नहीं मोड ऑफ एम, क्यों, अरे एन इज इक्वल टू वन रखोगे तो वो तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो प्लस माइनस दोनों में होता है, लेकिन लॉग की वैल्यू तो हमें नेगेटिव में नहीं लेनी होती है, मतलब ये जो ये बताया था ना, देखो ये कि नंबर हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ये जो नंबर निकल कर आता है ये वाला, ये जो नंबर है ना ये वाला, ये ए, ये देखो हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो फिर क्या भूल गए क्या, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही रहे, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया मोड लगा दिया, ये इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अच्छा तो इस पर मैं क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।